हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम कुकरी क्लासेस। आज हम बनाने वाले हैं बेल का शरबत, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमारे शरीर को ठंडक देता है। ये हमारे स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हमारी हेल्थ के लिए भी। तो आज हम यही बनाने वाले हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बेल का शरबत। बेल का शरबत निकालने के लिए ये हमने बेल लिया है, ये आपको ईजिली मिल जाएगा। आजकल ये गर्मी में बहुत आता है। ये देखिए, अब हम इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे और इसके अंदर का जो पल्प है वो निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए हम इस तरीके से स्पून से इसमें से ये सारा निकाल लेंगे इसका पल्प। ये देखिए हमने इसका सारा पल्प इस तरीके से निकाल लिया है बाउल के अंदर। अब जो हमने इसका छिलका निकाला था इसमें से भी अच्छी तरीके से सारा पल्प निकाल लेंगे हम। इसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो हमें निकालने हैं, क्योंकि वो बहुत ही कड़वे होते हैं। अगर जूस के अंदर मिक्स हो जाएंगे तो हमारा जूस भी जो है कड़वा हो जाएगा। ये देखिए हमने अपने सारे बेल का पल्प जो है इस तरीके से निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और इजीली हम इसमें से इसके सीड्स जो है निकाल दें। ये देखिए इसमें काफी सीड्स होते हैं अंदर, तो अब हम इसके अंदर इसमें पानी डाल के छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए इस तरीके से, और इसको हल्का सा हाथ से मैश कर देंगे। ये देखिए हमने इसको पानी के अंदर भिगो के रख दिया है ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए और इसके सीड्स जो है वो इजिली निकल जाए। ये देखिए हमारे बेल के पल्प को आधा घंटा हो गया है, हमने इसको पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। अब हम इसको हल्का सा हाथ से मैश करके इसके सारे सीड्स जो है वो निकाल लेंगे। ये देखिए इसमें इस तरीके के छोटे छोटे सीड्स होते हैं, ये सब हम इसमें से निकाल लेंगे। इस तरीके से ये देखिए हमने अपना बेल का पल्प जो है ये अच्छे से छान लिया है छन्नी के अंदर डाल के। ये देखिए इसमें जो भी एक्स्ट्रा सीड्स है वो और निकल गए हैं, क्योंकि अगर हमारा बीज इसके अंदर चला गया तो हमारा जूस जो है वो थोड़ा कड़वा हो जाएगा इस तरीके से। अब हमारा ये पल्प जो है अच्छे से निकल गया है इसका। ये देखिए अब हमारा पल्प जो है इसका निकल गया है। अब हम लेंगे एक ग्राइंडर जार जिसमें हम अपना ये पल्प जो है डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। ये मैं शुगर ले रही हूँ, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके बेल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो मीठा है तो आप कम डाल लीजिए, अगर थोड़ा कम मीठा है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये मिंट लीव्स, इसके से इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए। अब हम इसको एक बार ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा बेल का शरबत जो है बनके तैयार हो गया है, अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए हमारा बेल का शरबत जो है तैयार है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। आप इसको बनाइए पीजिए, ये बहुत ही अच्छा होता है पीने में और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे एक मिंट लीव से। ये देखिए हमारा बेल का शरबत बनके तैयार है, आप इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।